किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? बाबूजी इतने स्पष्ट बोलने वाले थे, अपने दिल की बात को उचित मंच पर रखते थे और पिछड़ों की उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और लेकिन अगड़ों का भी पूरा सम्मान देने का काम किया। यही कारण है चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े हों चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, सारे के सारे लोग बाबूजी का सम्मान करते हैं। देखिए मेरे साथ तो इतनी यादें हैं, मैं यहाँ नहीं बयां कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि अभी 1.5 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई, मैं सभी बच्चों की शादी में आए थे। मैंने कहा बाबूजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप मत आइए। बाबूजी ने नहीं बेटा मुझे आना है। मैंने कहा मानी केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM साहब हैं, आप उनके हेलीकॉप्टर से आ जाइए। बाबूजी ने नहीं बेटा मैं अपने भाई रोड आता हूँ और 300 किलोमीटर दूर जो है आकर के बधाई हूँ और 1.25 साल पहले ऐसे स्वास्थ्य में भी वो 300 किलोमीटर दूर रोड से चल के आए थे और रात को वहाँ पर रुके थे व्हील चेयर पर आकर के मेरे बेटे को आशीर्वाद देने। मैं इन चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता हूँ। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता उन्हें किस तरह से याद करेगी आने वाले? क्षेत्र की जनता उनको अपना मसीहा मानती है। क्षेत्र की जनता इतने लोकप्रिय थे बाबूजी, जन नेता थे, देखा था मैंने जहाँ जाते थे वो हजारों लाखों की भीड़ जुटती थी और बाबूजी के अनुयायी बाबूजी के समर्थक लाखों की तादाद में आज मायूस महसूस कर रहे हैं, उन सबको सदमा पहुँचा। ठीक है नितिन, आप केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा से भी बात कर रहे थे, उन्होंने एक वृत्तांत भी सुनाया कि उनके बेटे की शादी में कैसे खुद रुचि लेकर वो पहुंचे जबकि उनको ये कहा गया था कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है आप आराम करिए, लेकिन 300 किलोमीटर सड़क से सफर तय करके वो विवाह में पहुंचे, ये अभी अभी केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने बताया। नितिन हमारे साथ बने हुए, नितिन ही बात कर रहे थे। नितिन आप अभी केंद्रीय मंत्री तो पहुंच गए हैं वहां पर BL वर्मा और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की जनता के लिए कल्याण सिंह कैसे एक मसीहा है, कैसे मायने रखते हैं, क्या मतलब रखते हैं, क्या अर्थ है कल्याण सिंह के होने का। उनके अलावा और कौन से लोग आपको अब वहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजन बिल्कुल इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना ज़रूरी होगा कि संबंधों को सहेजना कल्याण सिंह को किस तरीके से आता था कि जब 2009 में दोबारा उनका भारतीय जनता पार्टी से कहा जाए एक तरह से थोड़ा उनके संबंध तल्ख होना शुरू हुए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ आगे बढ़ाया और एटा सीट पर मुलायम सिंह यादव ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, वो इंडिपेंडेंट खड़े रहे और वहाँ से वो लोकसभा सांसद चुने गए, तो तब उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से ये मैंने दोस्ती की है, कोई समझौता नहीं किया है, समझौते में शर्तें होती हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे दलों के नेताओं से भी उनका जो सहज अंदाज रहता था, जिस तरीके से कहा जाए कि वो कई लोगों के लिए नायक थे, कई लोगों के लिए खलनायक थे तो कई लोगों के लिए जननायक थे, हर तरीके से तो कहा जाए तो उनका जो विराट व्यक्तित्व है वट वृक्ष की तरह रहा है और जिस तरीके से कहा जाए एक एक के साथ एक खूबियाँ उनके रही हैं, हर कोई नेता यहाँ आ रहा है अपनी व्यक्तिगत पर्सनल जो उन कहा जाए उनसे स्मृति जुड़ी हुई है उसका बखान कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो BL वर्मा है या तमाम जो लीडर्स हैं इस समय यहाँ पहुँचे हुए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी जो अमित शाह जी और तमाम जो गवर्नर उत्तर प्रदेश हैं आनंदीबेन पटेल वो भी यहाँ आने वाली हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जी। इनके साथ किस तरीके से 1962 से राजनीति शुरू करते हैं और अभी तक पिछले 1 साल पहले तक जब वो राज्यपाल थे राजस्थान के तब तक वो राजनीति में सक्रिय रहे, तो आप समझ सकते हैं कुछ लीडर्स लीडर से ज्यादा स्टेट्समैन हो जाते हैं। बिल्कुल 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 कहा जाए राजनीतिक लिहाज से अगर बात ऐसे राजनेता हो जाते हैं।